हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, बता दूं कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे थे कि इस वीडियो पर बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कैसे कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ से काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्रिएट न्यू दिख रहा है, 16:9 का आपको लेना है, नेक्स्ट करना है। और उसके बाद जिस वीडियो को आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास ये वीडियो पहले से था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पीछे पेड़ पौधे होना ज़रूरी है, तभी आपका उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो पाएगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले लेयर पर जाना होगा और यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा होगा, इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट डाउनलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना होगा, होम पर जाना होगा और इसके बाद से यहाँ पे कलर दिख रहा है, इस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे डिपार्चर रेड कलर का दिख रहा होगा, कलर चेंजर, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाता हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद से यहाँ पर आपको कलर चेंजर दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको जितना आपको वीडियो पर कलर का इफेक्ट चाहिए उतना आप इसको लंबा कर सकते हैं। और इसके बाद से इसको जूम कर लेंगे। और फिर कलर चेंजर पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का कलर आपका ग्रीन है, तो आपको सबसे पहले ग्रीन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कलर ऑफसेट दिख रहा है, इसको आपको 50 के आसपास करना है। तो मैं यहाँ पे 51 कर दिया। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं HUE, तो इस पर आपको लेफ्ट या राइट करेंगे तो आपको कलर चेंज देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं ये कलर कर लेता हूँ। तो अभी ये काफ़ी फीका लग रहा है, तो इसको सेचुरेशन को बढ़ाऊँगा, काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो अभी बाकी और बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप एडजस्ट करके अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर हो जाएगा। और उसके बाद से मैंने ये कलर चूज कर लिया। और उसके बाद से नेक्स्ट कलर चूज करना है, तो इसके पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ से आपको ट्रिम करना होगा। तो यहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं दूसरा कलर चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको फिर सेटिंग में जाना होगा और HUE को इधर एडजस्ट करना होगा। अभी ब्लू था तो अभी मैं ग्रीन ले लेता हूँ, तो ग्रीन ले लिया। और उसके बाद से देख रहे हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो गया। और फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट दूसरा कलर चूज करते हैं, फिर सेटिंग में जाएंगे तो HUE को आप इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पिंक कलर आ गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पिंक कलर आ गया है। सेचुरेशन को बढ़ा देते हैं। तो अपने हिसाब से जैसा आपको रखना है उस हिसाब से आप एडजस्ट करके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गए। अब मैं नेक्स्ट कलर चूज करता हूँ, तो उसके पहले मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। और फिर इस कलर चेंजर पर जाते हैं, उसके बाद से सेटिंग में जाते हैं, HUE को यहीं पर आने देते हैं और सेचुरेशन को कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा कलर चेंज हो रहा है। तो मैं कलर ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, पिंक हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और ब्लू, डार्क ब्लू हो गया, और पिंक हो गया फिर। तो और भी सारे कलर हैं, आप यहाँ से इसको चूज करके, आप यहाँ से चूज करके बहुत सारे कलर जो हैं इसको चूज कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं दूसरा कलर चूज हो गया, तो मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ और ट्रिम कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे कलर को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह अपने वीडियो पर कलर एडजस्टमेंट करके अपने वीडियो को यूनिक बना सकते हैं। और इस तरह का वीडियो YouTube पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड करना है और उसके वास्ते जिस तरह मैंने बताया
उस तरह करके आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो ये वीडियो था ये कोई ब्लॉग नहीं था। लोग कमेंट में बार बार पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करें। सो इस वीडियो में मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझा पाऊँ। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।